भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। टमाटर के नाम पर प्याज की तस्करी, कस्टम विभाग ने 82 मीट्रिक टन नासिक से पकड़ा। बता दें कि नागपुर में आमतौर पर केवल सोना, हीरा, जानवर सहित नशीली दवाइयों की तस्करी सुनी थी, लेकिन अब तो सब्जियों की तस्करी भी शुरू हो गई है। नागपुर कस्टम विभाग ने गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए टमाटर के नाम पर प्याज को बाहर भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नासिक मंडी से 82 मीट्रिक टन प्याज जब्त की है। चलती बस में लग गया, कोई हताहत नहीं। बता दें कि नागपुर गर्मियों का मौसम शुरू होने को है, लेकिन उसके पहले ही वाहनों में आग लगने की घटना शुरू हो गई है। शनिवार रात चलती स्टार बस में आग लग गई। जिस समय आग लगी, गनीमत रही कि उस दौरान ज्यादा यात्री सवार नहीं थे। हादसा कड़वी चौक पर हुआ। घटना की जानकारी तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरे टेस्ट से अचानक क्यों हटे अश्विन, BCCI उपाध्यक्ष ने बताई वजह। कल ही रचा था इतिहास। बता दें कि भारत तीसरे टेस्ट के बाकी बचे समय में 10 खिलाड़ियों के साथ उतरेगा। अब कप्तान रोहित के पास इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में 4 विशेषज्ञ गेंदबाजों का विकल्प है। चंदौली में बोले राहुल, प्राण प्रतिष्ठा में अमिताभ और ऐश्वर्या दिखे गरीब नहीं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज चंदौली शहर में प्रवेश कर गई है। नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अरबपतियों के लिए कालीन बिछी, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। अमेरिकी राजदूत की सुरक्षा में चूक, परिवार संग आए थे सीकरी घूमने, 2 घंटे लपका रहा साथ, किसी को पता भी ना चला। बता दें कि ताजमहल समेत अन्य स्मारकों में अमेरिकी नौसेना सचिव के बाद राजनयिक को भी भ्रमण कराने के बाद लपकों ने अमेरिकी राजदूत की सुरक्षा में भी सेंध लगा दी। 2 घंटे तक अवैध गाइड उनके स्मारक का भ्रमण कराते रहे, लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से, 75 जिलों में बनाए गए 385 केंद्र, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी एंट्री। बता दें कि सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार और रविवार को 4 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर कर दिया, चुनाव चिन्ह छीने जाने पर छलका शरद पवार का दर्द। बता दें कि शरद पवार आज महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे। बारामती में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार का पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खोने का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया। शरद पवार ने कहा कि ये फैसला कानून के अनुसार सही नहीं है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू, भारत मंडपम पहुंचे पीएम मोदी। बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 2 दिवसीय यह बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल हैं। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इस घटना की दी जानकारी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुंची संदेश खाली, बाल दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद किया दौरा। राज्य बाल अधिकार पैनल की सलाहकार सुदेशना रॉय ने कहा कि वह यहां जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने आई है। आयोग का काम सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है।